देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, तो ऐसे मुश्किल वक्त में हमारे कोरोना योद्धा दिन रात मेहनत कर रहे हैं। खासकर महिला पुलिस कर्मियों को घर के साथ साथ वर्दी की जिम्मेदारी भी पूरी निभानी पड़ रही है। ऐसे ही महिला पुलिस कर्मी की कहानी बिहार के सासाराम से सामने आई है, जो इस घड़ी में ड्यूटी करने के साथ माँ का फर्ज भी निभा रही है। दरअसल सासाराम के मुख्य चौराहे पर ड्यूटी करने वाली पूजा कुमारी रोजाना कड़ी धूप में अपने 11 महीने के बच्चे को गोद में लेकर ड्यूटी कर रही हैं। जब ये बात बिहार के डीजीपी को पता चली तो उन्होंने पूजा से फोन पर बात की। सुनिए बिहार के डीजीपी और पूजा कुमारी की बातचीत। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी बिहार बोल रहा हूँ। आप पूजा हैं? जय हिंद सर। जय हिंद। आप पूजा हैं? जी सर। आप सासाराम में पोस्टेड हैं बेटा? जी सर। तो मैंने न्यूज में पढ़ा और देखा भी कि आप 11 महीने के बच्चे को गोद में लेकर के धूप में खड़ा होकर के ड्यूटी कर रही हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी है उतने छोटे बच्चे को लेकर? ड्यूटी तो आप कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत खुश हुए, लेकिन उतने छोटे बच्चे को बेटा धूप में गोद में लेकर के खड़ा होकर के इतना खड़ा ड्यूटी करना, क्या मजबूरी है आपकी? सर कोई मजबूरी नहीं है, लोग रहते हैं मेरे पास, लेकिन लॉकडाउन के चलते लोग किसी काम से चले गए थे। अच्छा। तो इसीलिए मेरे पास अभी कोई नहीं है। हाँ। तो बच्चे को जी सर, आप बेटा उसमें छोटे बच्चे को लेकर के मत जाइएगा और घर में उसको रखिए। दूसरे लोगों को आपने उसमें देखा, आपको काफी मेहनत कर रही थी, लोगों को समझा भी रही थी, और उतने छोटे बच्चे को धूप में लेकर के खड़ा हमको बहुत ठीक नहीं लगा। बच्चा है ना धूप में और इन्फेक्शन का भी डर रहता है बच्चे को लेकर बाहर निकलना। अभी ठीक नहीं। अच्छा, लॉकडाउन वहाँ कैसा चल रहा है? पूजा तो बहुत अच्छा चल रहा है, लोग नहीं चलते हैं सड़क पे, हम लोग अच्छे से ड्यूटी करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि आप डिस्टेंस बना कर चलिए। तो बेटा ये तो आपको मालूम है ना कि सासाराम में थोड़ा समस्या ज्यादा हो गई है, बहुत सतर्क रहने की, ये सब पता है ना आपको? हाँ सर पता है। अच्छा, वो आपका बेटा, कितने बच्चे हैं आपके बाबू? एक ही है सर। अच्छा ठीक है। और आप रहते हैं सासाराम में ही? हाँ सर, सासाराम में रहते हैं। और पति कहाँ रहते हैं? नालंदा में रहते हैं सर। अच्छा, वो भी पुलिस फोर्स में है? पुलिस फोर्स में नहीं है सर। अच्छा ठीक है। तो कोई तरह का आपको दिक्कत नहीं है? कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, कोई दिक्कत होगा तो पुलिस मुख्यालय तक अपनी बात पहुंचाइएगा तो हम तक पहुंच जाएगी। और हम बहुत, हमको गर्व है बिहार पुलिस की महिला सिपाहियों पर, जो इस कठिन परिस्थिति में इस कड़ी धूप में 24 घंटा काम कर रही हैं। आप जैसे लोगों पर हमको बहुत ही गर्व है, ये बहुत ही शान की बात है बिहार पुलिस के लिए भी, बिहार सरकार के लिए भी। बिहार सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी ने 35% आप लोगों को रिजर्वेशन दिया और लोगों को लगता था महिलाएं पुलिस में कैसे करेंगी क्या करेंगी, लेकिन आप लोगों ने अपने काम से साबित किया कि आप पुरुषों से कम नहीं है बल्कि बेहतर कर रहे हैं। तो मैं आपको केवल आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, आपको धन्यवाद देने के लिए मैंने फोन किया है। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है? ठीक सर, थैंक यू। और ड्यूटी पूरा जम करके करना है, मेहनत करना है, गरीब बीमार लाचार ये जो हो उनका बहुत ख्याल रखना है। और एक बात और ध्यान रखना है बेटा कि रोजा शुरू हो गया है, रमजान का महीना है, रोजेदार निकलेंगे उनको हम अलग से अपील कर रहे हैं, कोई समूह बना कर जनता बना करके न निकले, लेकिन अपने काम से सरकारी नियम कानून के तहत अगर निकलेंगे तो किसी रोजेदार के साथ कोई ऐसा गलत काम न हो जाए, किसी की पिटाई न हो जाए, किसी का अपमान न हो जाए, इस सब पर भी ध्यान रखना है बेटा, ठीक है? जी सर। और बाकी खूब मेहनत करिए, अच्छे से काम करिए, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरी तरफ से और बहुत बहुत आपको बधाई भी है कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं। जी ठीक है पूजा। ठीक है सर, जय हिंद सर। जय। आपको बता दें कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पूजा कुमारी का हौसला अफजाई करते हुए अनुरोध किया कि वे बच्चे को लेकर ड्यूटी न करें। न्यूज डेस्क।